हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर PST न्यूज पर। आज की जो वीडियो में बात करेंगे, हरदीप सिंह निजार खालिस्तानी आतंकी की हत्या के आरोप पर भारत ने कनाडा को लगाई लताड़। कनाडाई राजनयिका को किया समन। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में आतंकवादी हरदीप सिंह निजार की हत्या कर दी गई है, इसे लेकर अब जाँच चल रही है। भारत ने मंगलवार को कनाडा के उन आरोपों को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया है कि खालिस्तान आतंकवादी हरदीप सिंह निजार की हत्या में भारतीय एजेंट्स का हाथ हो सकता है। दरअसल कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि हरदीप सिंह निजार की हत्या के पीछे भारत सरकार हो सकती है। इसके जवाब में भारत सरकार की तरफ से बयान जारी कर कनाडा को लताड़ लगाई गई है। भारत सरकार पहले भी निजार की हत्या में अपनी भूमिका को नकारती रही है। कनाडा में पहले भी यह बात उठी है कि निजार की हत्या भारतीय एजेंट्स ने की है, लेकिन भारत अपने ऊपर लगने वाले इन आरोपों को खारिज कर चुका है। कनाडा ने निजार की हत्या में भारत की भूमिका के जांच के मद्देनजर अपने यहां मौजूद भारत के शीर्ष राजनयिका को भी निष्कासित कर दिया है। माना जा रहा है कि इस घटना के बाद अब भारत कनाडा के रिश्ते और भी ज़्यादा बिगड़ने वाले हैं। वहीं भारत ने नई दिल्ली में मौजूद कनाडा के हाई कमिश्नर कैमरून मैके को समन भेजा। उन्होंने साउथ ब्लॉक में बुलाया और भारत के ऊपर लगाए गए आरोपों को लेकर नाराजगी जताई गई है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि भारत ने जैसे को तैसे का जवाब देते हुए नई दिल्ली से एक टॉप कनाडाई राजनयिका को जाने का आदेश भी दे दिया है। कनाडा के आरोपों पर भारत ने क्या कहा? विदेश मंत्रालय ने मंगलवार सुबह एक बयान जारी कर कहा कि कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का संसद में दिए गए बयान को देखा गया है। उनके विदेश मंत्री के बयान को भी सुना गया। हम कनाडाई PM और विदेश मंत्री के आरोपों को खारिज करते हैं। कनाडा में होने वाले किसी भी हिंसा में भारत सरकार पर शामिल होने का आरोप लगाना बेहद ही बेतुका और राजनीति से प्रेरित है। बयान में आगे कहा गया कि ठीक ऐसे ही आरोप हमारे प्रधानमंत्री के सामने कनाडाई प्रधानमंत्री ने लगाए, हमने उसे भी सिरे से खारिज कर दिया। हम कानून के राज को लेकर लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहे हैं। आपको बता दें, मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि इस तरह के निराधार आरोप खालिस्तानी आतंकियों और चरमपंथियों से ध्यान भटकाने वाले हैं। कनाडा में इन्हें आश्चर्य दिया जा रहा है, जबकि यह भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा बने हुए हैं। कनाडा सरकार इस मुद्दे पर शांत रही, जो हमारे लिए चिंता की बात है। कनाडाई नेताओं ने भी इन चरमपंथियों के प्रति सहानुभूति दिखाई, जो चिंता का विषय भी है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू वॉचिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ।